हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं यहाँ पे दशरथ जी का राजमहल, जो कि अयोध्या में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के। तो चलिए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से बना हुआ था ये दशरथ जी का राजमहल। तो ये आप देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है और ये भी मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, जो हनुमान गढ़ी है उससे बहुत पास में पड़ता है और आप आराम से वाई वॉक जा सकते हैं। सब में 5 मिनट 7 मिनट ऐसे लगता है एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये गेट वगैरह यहाँ पर बहुत सुंदर सा बना, मतलब एक आपको महल वाला लुक आपको पूरा मिलेगा यहाँ पर देखने को। और अभी यहाँ पे हम अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इतनी बड़ी बाहर जगह बनी हुई है और यहाँ पे कितने सारे मतलब पर्यटक हैं, जो लोग आते हैं दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग साइड में जितने लोग भी हैं सो रहे हैं, मतलब सब यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। यहाँ पे राम कथा वगैरह होती रहती है तो उसको सुनते हैं, फिर यहीं पर ये लोग विश्राम वगैरह कर लेते हैं। तो काफ़ी मंदिरों में काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं ऐसे आते हैं तो उनको रहने के लिए इतनी जगह नहीं होती, बहुत लोगों के पास इतना नहीं होता है कि वो होटल लें कुछ ऐसा करें, तो वो यहीं पे अपना विश्राम कर लेते हैं आके। और यहाँ पे इस तरह से दीवारों पे बहुत कुछ लिखा हुआ है मंदिरों की, तो ये सब मैं इतना पढ़ के तो नहीं बताने वाली हूँ। और मैं बता रही हूँ आपको कि ये मतलब यहाँ पे ये अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल, दशरथ जी का राजमहल, जिसे हम आज की मतलब एक सिद्ध पीठ भी माना जाता है इसको। तो मान्यताओं के अनुसार ये कहते हैं कि राजा दशरथ त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस स्थान पर वैष्णव परंपरा की प्रसिद्ध पीठ एवं बिंदुगादी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है, ऐसा लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी चल रहा था सफाई का कार्यक्रम और मतलब सफाई हो रही थी, शाम की आरती होने वाली है, रात का समय है। तो यहाँ पे भी लाइट्स की थोड़ी सी मतलब कैमरे के अकॉर्डिंग लाइट्स थोड़ी सी कम है, तो इसलिए इतना कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, बट मैंने देख सकते हैं आप ये चारों तरफ बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग रहते हैं, बाबा बैरागी लोग सब लोग रहते हैं, जितने भी साधु संत हैं। और ये देख सकते हैं साधु संत लोग बैठ के अभी इंतजार भी कर रहे हैं, जो शाम की कुछ साधु संत यहाँ पे परमानेंट वाले रहते हैं, जो मंदिर की साफ सफाई और सारी चीज़ों का बहुत उचित ध्यान रखते हैं। और आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं जहाँ पे मैं कैमरा ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे मूर्ति नहीं समझ में आई किस चीज़ की। और यहाँ पे तो ये मुझे ऐसा लग रहा था विश्राम गृह वगैरह बना हुआ है, जैसे एक हमारे जो भगवान जी होते हैं उनका भी कोई ना कोई विश्राम गृह होता है, तो ये वो साइड में बना हुआ है। और अभी उधर मंदिर की चल रही सफाई, तो वहाँ पे पर्दे वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैं आज आप लोगों को दर्शन कराने वाली हूँ। यहाँ पे दशरथ के महल में बड़ा बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी जगह के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे राम विवाह हो गया, जैसे दीपावली या श्रावण का मेला लगता है, चैत की रामनवमी और कार्तिक की में जो मेला, यहाँ पे बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ श्रद्धालु लोग उन्हीं श्रद्धालुओं में से हम लिए हैं और हम सब लोग हैं, तो अभी इंतजार कर रहे हैं। और साफ सफाई का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, तो अभी इसके बाद आरती होने वाली, मैं आरती में बिल्कुल वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग खुद से दर्शन कीजिएगा। यहाँ पे कहते हैं कि जो राजा दशरथ मतलब अपने राजमहल में अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे, तो तभी से ये पवित्र मंदिर के रूप में मतलब तब्दील हो चुका था। यहाँ पे राम सीता लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि मतलब यहाँ पे सबकी आपको प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। तो इसकी जो टाइमिंग हम आपको बता देते हैं, ये सुबह 8 से 12 और शाम को 4 बजे से लेके रात में 10 बजे तक यहाँ पे ये सब चलता है। तो अभी बस यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है, मंदिर में झाड़ू वगैरह लगी है, अब इसके बाद यहाँ पे भोग लगेगा, आरती होगी और हम सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे, और आप सब भी कीजिए।
जैसे हम लोग